I'm going to show you how to paint a popular tree in watercolor. Some of my students who are living in Benin, they can't understand my language. They can follow the yellow strip coming on my video that is written in English. ये बहुत छोटी और सिंपल सी वीडियो है जिसमें मैंने पॉपुलर ट्री को वाटर कलर में करना सिखाया है और मैं सेम ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ. पहले मैंने वाटर अप्लाई किया है शीट के ऊपर, शीट को गीला किया है और उसके बाद मैंने येलो कलर अप्लाई किया और अब मैं ब्राउन एंड ऑरेंज मिक्स करके दोनों कलर्स को थोड़ा येलो ऑरेंज को डल करके उसको डार्क्स में लगा रही हूँ. जिस तरफ लाइट नहीं है वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ. इस दरख्त में भी लाइट सोर्स लेफ्ट से है तो डार्क्स जो है वो राइट साइड में आएंगी. अब मैं टर्कोइज ब्लू को सैप ग्रीन में ऐड करके डार्क्स में अप्लाई कर रही हूँ और ब्रश को मैं सॉफ्टली हैंडल कर रही हूँ. उसको मैं बिल्कुल प्रेस नहीं कर रही, लॉन्ग वर्टिकल स्ट्रोक्स में ट्री लीव्स बना रही हूँ. इस दरख्त के टॉप पे लाइट है और नीचे आते तक वो शेड में जा रहा है, तो मैंने पर्पल और नेवी ब्लू मिक्स करके इसको थोड़ी और डार्क्स अप्लाई की हैं. अब दोबारा शीट पे पहले मैं पानी लगा रही हूँ, उसके बाद मैं ग्रीन कलर इसमें अप्लाई करूँगी. कलर्स और पैलेट सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया है ताकि आपको नज़र आता रहे कौन कौन सी कलर मिक्सिंग चल रही है. शेडोड साइड में कोबाल्ट ब्लू और पर्पल मिक्स करके मैं उसको थोड़ा और डार्क कर रही हूँ और सेम डार्क शेड मैंने तने पर भी अप्लाई कर दिया. लाइट सोर्स हमारी लेफ्ट साइड से है तो दरख्त का साया राइट साइड पे जाएगा और अंडर द ट्री थोड़ा सा मैं डार्क अप्लाई कर रही हूँ. अब शीट को दोबारा से मैं गीला कर रही हूँ और इसमें मैं ब्लू माउंटेंस बनाऊँगी जो इस दरख्त में और बैकग्राउंड में कंट्रास्ट देगा. वाटर कलर इज़ माई फेवरेट मीडियम. मैं इसमें ज़्यादा काम नहीं करती, ज़्यादातर मेरा काम एक्रिलिक्स में और ऑयल्स में होता है, लेकिन फिर भी मैं वाटर कलर छोड़ नहीं सकती. मैं वक्ता फ़वक्ता इसमें ट्राई करती रहती हूँ कुछ ना कुछ वाटर कलर में. कभी बर्ड बना लिया, कभी ट्री बना लिए, इसी तरह नेचर से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ मैं पेंट करती रहती हूँ.
लेकिन ये है कि ऑयल ज़्यादा करने से, एक्रिलिक ज़्यादा करने से वाटर कलर में वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, जो आप कंटिन्यूसली अगर इसमें प्रैक्टिस करते रहो तो आपको अचीव कर सकते हैं। मैंने अपनी यंगर एज में वाटर कलर से ही पेंटिंग करना स्टार्ट की, तो वाटर कलर से मेरी एक अटैचमेंट भी है, तो इसलिए मैं साथ साथ इसको भी ज़रूर प्रैक्टिस करती रहती हूँ। मैंने आपको बेसिक टिप्स तो बता दी और ट्रिक्स के क्या है टेक्निक वाटर कलर की। इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट, इट्स ओनली यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड यू कैन मास्टर अ मीडियम। आई होप कि आपको ये वाटर कलर ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और इसके अलावा आप मुझे ये भी बताएं कि आपको वाटर कलर कैसा लगता है, आपको इसमें काम करना डिफ़िकल्ट लगता है या इजी लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।